हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे अरे शंकर भैया, ऐसे चलाइए। अरे भैया क्या कर रहे हैं? अरे भैया बाइक है, कोनो जंबो जेट नहीं है जो ऐसे चला रहे हैं। अरे भैया धीरे चलाइए। अरे अरे भैया ऐसे मत कीजिए, अरे भैया गिर जाएंगे। हम दोनों भाई आग और पानी जैसे थे। हम अर्जुन दुबे, बहुते सीधे सादे पढ़ाकू, और हमरे बड़े भैया शंकर दुबे एकदम बागी किस्म के। सबसे 36 का आंकड़ा था उनका। अरे भैया इतनी तेज बाइक चलाते हैं का? का बे? इतने में डर गया? हमारा छोटा भाई इतना फट्टू कब से हो गया बे? फट्टू किसको बोले? हमको फट्टू बोले? हाँ तुमको फट्टू बोले। क्या कर लोगे? क्या करेंगे दिखाते हैं आप। अरे सच तो ई था कि अगर हमको एगो खरोचो लग गया तो भैया पूरा दुनिया सर पर उठा लेते थे। दोनों में 6 साल का फर्क होने के बाद भी एकदम जुड़वा भाई जैसे थे। फिर आई अंधेरे को काट के उजाला फैलाने वाली दिवाली, पर इस बार की दिवाली ने हमारे जीवन के उजालों को खत्म करके अंधेरा फैला दिया। अरे पगला गए हो क्या शंकर? लक्ष्मी पूजा के वक्त कोई घर से बाहर जाता है क्या? और जा भी रहे हैं तो कहाँ, किसी और की घर की पूजा में? किसी और का क्या मतलब है बाबूजी? अरे मोहन मामा जी हमारे सगे मामा हैं, हम लोग को सब परिवार इन्वाइट किए हैं, चलिए ना सब साथ में हो आते हैं। अच्छा मोहन तुम्हारे सगा है और तुम्हारी अपनी सगी बहन सुजाता, उसका क्या? वो सगी नहीं है का? अरे शादी के बाद पहली बार दीपावली पे आ रही है वो हमारे यहाँ तुम्हारे जीजा रमन के साथ में। अरे बुद्धि है कि कहीं बेच दिए वो? बाबूजी आप बेफालतू में गर्म हो रहे हैं, मोहन मामा जी उनका फैमिली पराया कब से होने लगी? अरे मां तुम चुप काहे हो, बोलो ना। अरे वो क्या बोलेगी? देखो बात सुनो, अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, पर हम में से कोई ना जाएगा। फालतू में जिद पकड़ कर बैठे। जिद कौन कर रहा है वो सबको पता है। अरे लक्ष्मी माता तो हर जगह मौजूद है, पूजा यहां हो चाहे वहां हो, बात तो बराबर है ना। अरे काहे पिन पिन आ रहे हो शंकर भैया, सबसे झगड़ा मोल लेते हो। तुमको झगड़ा लगता है बे? तो आप क्या बैठ, तुमको हमारे साथ और घूमना चाहिए, समझे? चलो तुमको मामा जी के घर ले चलते हैं, चलो हमारे साथ। तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, ये सब के बीच में अर्जुन माँ के घसीटे कोई जरूरत नहीं है। चल अर्जुन जो करना है करे, दिमाग पगला गया है, बाबूजी कुछ कहेंगे ये कुछ करेगा। एक तो पढ़ाई छोड़ दिया, दूसरा आवारागर्दी का लाइन पकड़ लिया, अब जुबान देखी हो कैसा बदल गया है शंकर। हम मानते हैं कि दूसरों से थोड़ा अलग है, पर दिल का बुरा नहीं है जी। आलसी होना, मनमानी करना अलग नहीं होता भी ना, और बिन लगाम के घोड़ा को शराब पिला दी जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। आपका क्या मतलब है जी? मतलब कुछ नहीं है, बेमतलब की बहस है। अरे पूरी दुनिया जानता है कि तुम्हारे भाई लोग ने उसको बिगाड़ रखा है, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? उस दिवाली में शंकर भैया की जिंदगी 180 डिग्री घूम गई, और ये हालत में हम सबकी जिंदगी सीधे कैसे रह पाती? हमारी बहन सुजाता दीदी, रमन जीजा जी, हमारी अम्मा, हमारे बाबूजी और हम सभी घर पर पूजा की तैयारी में थे, बस शंकर भैया की कमी थी। और वो थे हमारे मोहन मामा जी की कोठी में, जो कि लकीसराय में पड़ती थी, हमारे घर से काफी दूर। उस कोठी में रेखा मामी, उनका लड़का पिंटू और हमारे छोटे मामा मोहन मामा तो थे ही, साथ में थी हमारी अम्मा की सबसे बड़ी बहन रोहिणी मौसी और उनका बेटा अजीत, और फैमिली के सबसे बड़े सुनील मामा, सुनील शुक्ला जी, और उनकी पत्नी मीनाक्षी मामी। पूजा के दौरान बाबूजी का मूड बहुत ही खट्टा रहा, उनको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि भैया घर की पूजा छोड़कर
मामा जी के घर की पूजा में बैठे। पहले से ही शंकर भैया हमेशा मोहन मामा जी और हमारे ममेरे भाई अजीत और पिंटू के काफी करीब थे। उनके घर में शंकर भैया का बहुत दिल लगता था और इस दिवाली की रात को शंकर भैया का दिल कुछ ज्यादा ही लग गया। अबे चलो बे, हम उसको नहीं देख रहे थे, समझे? अच्छा, तुम नहीं देख रहे थे, ठीक है जाने दो। हम तो सोचे थे कि तुमको बता दे कि कौन है वो। कौन है वो? जिस गांव में तुमको जेबे नहीं करना है, ओकर पता पूछ के का करो रे। वे नाम पसंद आया तो गांव भी पसंद आ जाएगा, बताओ भी। अच्छा, हम ही सोसियारी। ऐसे गांव यही लखीमपुर में है, ये पास में। वे लखीमपुर तो हम भी जानते, तुमने काम का नाम नहीं बता रहे, समझे? अच्छा बेटा, नाम तुमको जाने का बहुत हड़बड़ी है, पता नहीं बुझानिया बुझो तो। बोलो, गवाही को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में साक्षी। सही पकड़े, साक्षी जी, जिसे आप देख भी नहीं रहे थे। अरे बाहर क्या खड़ा है? कुछ नहीं भैया, बस। अजीत भैया, हाँ, वो मम्मी पूछ रही थी कि आप हम दोनों को घर छोड़ देंगे। कहे नहीं छोड़ देंगे, खाना खा लिए? हाँ नहीं, जो पहले खा लो फिर छोड़ देंगे। जी जाओ। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? भैया एक रॉकेट निशाने पे लग गया है, किसी के दिल में ना बम फूट रहे हैं। बम? क्या बकवास कर रहे हो बे? अबे एक गुड न्यूज है, सुनाई कि हम चुप हो जाएंगे। कौन सा गुड न्यूज बे? अबे जिसे तोरा का प्यार हो गया है ना, वो हमारे रिलेशन में लगती है। किसकी बात कर रहे हो बे? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे साक्षी जी का बात कर रहे हो और किसका? जिसके पहले नजर में इनको प्यार हो गया है ना, उनका साक्षी हम है। क्यों बे, सही बोल रहे? नहीं। उस दिवाली में दुबे परिवार के घर में बनी मिठाइयां थोड़ी कड़वी हो गई थी। घर का बड़ा बेटा शंकर घर की पूजा में शरीक होने की बजाय एक रिश्तेदार के घर की पूजा में चला गया था, और इस रिश्तेदार के यहां शंकर का एक नया रिश्ता जुड़ा, एक ऐसा रिश्ता जिसके धमाके से कई रिश्तों के दिए बुझ गए। एक आग लगी, एक भयंकर आग लगी। कहना चाहते हो कि तुम हमसे शादी करना चाहते हो? तो 6 महीने से काम टाइम पास कर रहे हैं, शादी तो होके ही रहेगा, और उसमें कहने पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और तुम हमें नेक इरादे पर डाउट कर रही हो साक्षी। अरे नहीं बाबा, डाउट नहीं कर रहे, तुम हमारे मम्मी पापा को नहीं जानते हो। रोज हमारा सर खाते हैं, हर दिन हमारे लिए कोई नया रिश्ता ले आते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। बता दें क्या उनको हम दोनों के बारे में? बात तो ठीक ही कह रही है। अच्छा एक बात, हमारे बाबूजी 2 हफ्ते बाद कंटोनमेंट से आ रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे, और फिर क्या है, ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल उठेगा या बवाल, ये तो तब की तब देखा जाएगा। अब फिलहाल बात करें ना पापा से तुम्हारे बारे में। अरे हाँ हाँ करो, शादी कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। कौन है शंकर दुबे? पापा वो मेजर आनंद दुबे है ना, उनका लड़का। आनंद दुबे, वो जिसकी बीवी वीना है, मोहन की बहन ना? अब जी पापा, मोहन मौसा जी की पत्नी रेखा मासी मम्मी की कजन लगती है ना। रजनी, तुमको पता था कि ये सब कुछ चल रहा है? ये कहाँ बात कर रहे हैं आप, हमको थोड़ा भी पता होता तो हम आपको बताते नहीं का। साक्षी तू कब मिली शंकर से? पिछले दिवाली माँ, वो मोहन मौसा जी के घर पूजा थी ना, तो अभी। हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा है हमको, देखे थे वहाँ पे, हम मिले भी थे। करता कहाँ है शंकर? साक्षी, ये बीना, जानती हो तुम उसे? जी वैसे जानते वानते तो नहीं है, वो रेखा भाभी है ना। हाँ। उसकी दूर की रिश्तेदार है रजनी,
उसी की बेटी है साक्षी। पिछली दिवाली के पूजा में मोहन मामा जी के यहाँ मिले थे हम और साक्षी, तभी हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। तभी उसका कॉलेज खत्म हो गया था। लड़की बीए पास है, अगर उन लोग को कोई ऐतराज ना हो तो हमारी तरफ से ओके ही समझो। तो बाबूजी आप उनके माँ बाबूजी से बात तो करेंगे ना? अरे हम बात नहीं करेंगे तो कैसे होगी तुम्हारी शादी? हमरा गधा कैसे चढ़ेगा घोड़ी? उस दिन शंकर भैया की लव स्टोरी को लेकर हम सब मुस्कुराए थे, पर किसे पता था कि ये कहानी आगे जाकर कितना रुलाने वाली थी। तो तुम बताए नहीं पापा को कि हमारा असली वाला लव है, दोनों तरफ बराबर है? शंकर तुम भूल रहे हो कि बाबूजी भी हमसे प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि बात सुनने को तैयार ही नहीं। नहीं, और तुम हमारे नहीं का मतलब खूब अच्छी तरह समझती हो। पापा आप शंकर को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे उस 20 साल के पांचवी पास लड़के को समझने जैसा कहा है? पापा वो मेहनती है, अपना कोई बिजनेस चालू कर लेगा। पापा वो बहुत अच्छा लड़का है। बेटा अच्छे लड़के और अच्छे पति में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, बीए पास हो, हम तुम्हारे लिए डॉक्टर इंजीनियर जैसे हीरे लड़के तलाश रहे हैं और तुम कोयले की बात कर रही हो। पापा ऐसा मत कहिए, हम शंकर से प्यार करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। बेटा प्यार का केवल ढाई अक्षर होता है, लेकिन जिम्मेदारी का स्पेलिंग बहुत कठिन है। अरे शादी के बाद घर बसाना होता है, चलाना होता है, और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे जिम्मेदारी का स्पेलिंग पूरा आता हो। अरे वो ऐसा कहीं सोच रहे कि हम जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे? अरे जान लड़ा कर खुश रखेंगे तुमको। हमको इस बात का कभी डाउट नहीं रहा शंकर, लेकिन उन लोगों को डाउट नहीं, यकीन है कि वो ये शादी कभी नहीं होने देंगे। तुमको करना है ना? ये सवाल अभी भी तुम्हारे दिमाग में है? तो बस हमारी शादी होकर रहेगी, और जिम्मेदारी की स्पेलिंग हम खून से लिख कर देंगे। जोश तो छोड़िए, होश से बात करने का भी क्या मतलब? अरे वो लोग तो बात ही नहीं करना चाहते। फिर भी आप उनसे एक बार बात तो कीजिए बाबूजी, उनको भरोसा दिलाइए कि हम जिम्मेदारी उठा लेंगे। फौजी आदमी है बेटा, जुबान पे झूठ नहीं चढ़ता। इतना भी गया गुजरा नहीं है हम बाबूजी। यही जाके बोले साक्षी के माँ बाप से कि हमारा बेटवा इतना भी गया गुजरा नहीं है, बस थोड़ा सा गया गुजरा है। पढ़ाई छोड़ी, कोई हुनर नहीं सीखा, 20 साल के हो गए पर 20 रुपया नहीं कमाए, और माथा में गुरूर 20 किलो का है। बाबूजी आपको आज ही का दिन मिला है हमारे जख्म पर नमक रगड़ने के लिए। तुम्हारा जख्म भी है, दर्द भी होता है, पहली बार सुन रहे हैं बेटा, क्योंकि इतने साल तक हम तुमको प्यार से समझाते रहे, डांट के समझाते रहे, रोक के समझाते रहे कि बेटा जिंदगी का दूसरा नाम जिम्मेदारी होता है। मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी नाम साक्षी है बाबूजी। तुम्हारी जिंदगी तो अभी पैदा भी नहीं हुई है और तुम तो अभी से नामकरण करती है। बाबूजी को क्या लगता है बे, वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा का? अरे मोहन मामा जी है ना अपने, करेंगे हमारी मदद? शंकर भैया बाबूजी को गलत समझ रहे हैं। बाबूजी हमको सही कब समझे बे? हम मानते हैं कि हमें दुनिया भर की खूबियां नहीं है, हम जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना हम कोई बुरे आदमी हैं। शंकर भैया आप बहुत ही अच्छे, और अम्मा बाबूजी भी यही समझते हैं। अर्जुन हमको पता है कि तुम हमको बहुत प्यार करते, माँ का हम बोल नहीं सकते, लेकिन बाबूजी वो हमको गलत नहीं समझते, वो हमको गलती समझते, अपनी तकदीर में लिखी हुई एक गलती। कितना गलत बात कर रहे हो शंकर, पगला गए हो का? अरे तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारा ख्याल ना होता तो तुम्हारे नाम पे जमीन फ्लैट काहे खरीदते? तुम्हारे बाबूजी को तुम सबका बहुत ख्याल है, तुम अर्जुन सुजाता सब उनके लिए बराबर हो, ये सब फालतू बात दिमाग से निकाल दो। अरे लेकिन अम्मा फ्लैट और प्रॉपर्टी से प्यार थोड़ी होता है, हम फ्लैट और सारा प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, बस एक बार बाबूजी साक्षी के माँ बाप से बात कर ले जाके। तुम खुद ने तो बोले थे कि उसके बाबूजी रिश्ता के लिए ना कर दिए हैं, फिर ये सब बात करने का क्या फायदा है? अरे हम प्यार से समझाएंगे तो मान जाएंगे, लेकिन प्यार से जो समझाएगा उसको हमसे भी तो थोड़ा प्यार होना चाहिए। अब बाबूजी तो हमको प्यार ही नहीं करते। हम तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है। अरे इतना बड़ा महाभारत हो गया और हमको बताया तक नहीं। अरे बाबूजी तो कैसे बताता, हक से तो आनंद फूफा जी को जाकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है शंकर के लिए साक्षी का हाथ मांगने से। अरे शंकर ये पिंटू सही कह रहा है। अरे तो ऐसे मुंह लटका के गाय बैठे हो तुम,
हम हैं ना अभी साक्षी के पिताजी से जाके हम बात करेंगे, और साक्षी की जो माताजी हैं वो तुम्हारी मामी की दूर की बहन है, मना तो कभी कर ही नहीं सकते। अगर रिश्तेदारी का फर्ज निभाना ही था तो हमें चेतावनी दे दिए होते मोहन जी कि भाई अपनी बेटी को इस संकट से दूर रखिए। हम मानते हैं कि हम रेखा की दूर की बहन लगते हैं, बाकी इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम अपनी बेटी को किसी के गले में बांध दें। रजनी, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। अगर वो लड़का इतना ही लायक है तो आप उसके लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिए। आपके राजकुमार के लायक नहीं है हमारी बेटी, हम उसके लिए ढूंढ लेंगे कोई मामूली सा डॉक्टर इंजीनियर। आप उसकी शादी की चिंता मत कीजिए। अरे अजीत भाई, साक्षी के भाई गुड्डू और सुधीर से तारी अच्छी दोस्ती है ना, तो काम काहे नहीं करते हो, दोनों से बतिया लो। यार एक बात है जो हमने अभी तुम लोगों को बताया नहीं। कौन सा बात? यही कि साक्षी के भाई लोग जो है वो हमसे मिला था। अजीत, हम सुने वो लड़का शंकर तुम्हारा कजन में पड़ता है। हाँ, हमारी मौसी का लड़का है। पर एक बात बोले गुड्डू, बहुत अच्छा लड़का है यार। बहुत अच्छा लड़का है तो बहुत अच्छी तरीके से समझाओ उसे, हमारी बहन से दूर रहे, समझे ना तुम। देखो अजीत, हम जानते हैं हमारी सिस्टर साक्षी का भी फॉल्ट है, लेकिन जो हो गया तो हो गया, अब भूल जाओ सब कुछ, ये मैं दोनों फैमिली का भलाई है। साक्षी के लिए एक बहुत ही टॉप क्लास के लड़के से लगभग बात फाइनल हो चुकी है, हमका इसके बीच में कोई भवाल नहीं चाहिए। कुल मिला के बात यह कि हमारा गुड़गा और सुधरों से बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है। साक्षी का रिश्ता कोनो और के साथ नहीं हो, वो हमारी है, और रिश्ता होगा तो सिर्फ हमारे साथ हो। शंकर, हमारे लिए लव का मतलब तुम हो, शादी का मतलब तुम हो, हम किसी और के साथ इस जिंदगी में तो नहीं। लेकिन शादी तो हमको इसी जिंदगी में करनी है। बाबूजी, अम्मा, साक्षी हम तय किए कि अगर उनके घर वाले नहीं माने तो हम के खिलाफ जाकर शादी कर लेंगे। एक बात समझ लो शंकर, किसी लड़की को प्यार करना, उसके साथ शादी का अरमान रखना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर लड़की के माँ बाप राजी ना हुए तो भूल जाओ उस लड़की को। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची ना तो अपने माँ बाप को भूल जाओ। शंकर भैया, आप समझ काहे नहीं रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अर्जुन, तू बहुत ही छोटा है रे, एक बात समझ लो, हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। अरे हम दोनों इंसान हैं, कोनो कठपुतली नहीं है कि भुला दो छोड़ दो। अरे प्यार है, कोनो हलवा पूरी नहीं है बे। अरे दुनिया समझती का है नहीं बे ये बात। हम हमारे भैया के लिए दुनिया की सारी खुशी चाहते थे, हम चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर हमको समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले का हल निकलेगा का। हमारे कहने के बावजूद उस लड़के से बतिया रही हो, ये जो इसक का भूत तुम्हारे सर चढ़ा है ना, इसे उतार दो, समझा रहे हैं? अब हमारी परमिशन के बगैर तुम एक कदम इस घर से बाहर नहीं रखोगी। पापा, ये तो गलत है ना। और जो तुम कर रही हो वो गलत नहीं है साक्षी, ध्यान से सुन लो, आज के बाद उस लड़के से कोई भी रिश्ता रखा तो हमारे साथ सारे रिश्ते खत्म समझना। उस दिन के बाद शंकर भैया और साक्षी मिल नहीं पाए। हम रोज देख रहे थे कि कैसे हमारे भैया की हालत खस्ता होते जा रही थी। सब चीज बदल गया, जिंदगी बदल गई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। किस चीज की हमको नहीं मालूम था, बस महसूस होता था रोज कि कुछ होने वाला है, बहुत डरावना। दुबे परिवार में ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि शंकर बगावत और जिद को इस हद तक ले जाएगा। कोई नहीं समझ पाया था कि बगावत की इस आग से गुस्से और नफरत की लपटें निकलेंगी। अब शंकर ने जो कदम उठाया वो चौंकाने वाला था, शॉकिंग था, लेकिन उसकी जिस तरह से मदद की गई वो और भी शॉकिंग था।
तो सुने वो काम करो, साक्षी के लेके भाग जाओ, मंदिर में ब्याह कर लो, फिर देखो। ये सब ड्रामा नौटंकी छोड़ के कैसे तुमको गले लगाते हैं वो लोग? कुछ दिक्कत नहीं होगा, कोई चेहरा नहीं बचेगा। बाकी हम है ना, अगर इतना आसान होता ना भागना तो कब का भाग्य होता दोनों। अगर रमेश मौसा साक्षी को घर में बंद कर दिए हैं और ऊपर से उसका फोन भी छीन लिए हैं। मोहन मामा, एक महीना हो गया हम दोनों एक दूसरे को देखे तक नहीं। बीच में दो बार वो अपने बाबूजी के फोन से बाथरूम से फोन की, एक दो मिनट बात हुआ, बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में है। रोज रोज उसको नया लड़का दिखा रहे होंगे। ए पिंटू, ये अपना अजीत का साक्षी के भाई लोग से दोस्ती है ना? दोस्त है बाबूजी, लेकिन वो जो दोनों भाई है ना, सुधीर और गुड्डू, वो अजीत को बड़ी प्यार से चेतावनी दिए कि हम लोग के बीच में ना पड़ो तो बढ़िया होगा। अरे वो तो करबे करेंगे, बहन का मामला है। अच्छा, अभी साक्षी के भाई लोग से दोस्ती टूटा नहीं ना अजीत का? नहीं नहीं बाबू जी, अभी भी अजीत का उठना बैठना है वो लोग के साथ, कोई दिक्कत ना है वो लोग के साथ। फोन करो उसे, बुलाओ, प्लानिंग करेंगे बढ़िया वाली। शंकर, तुमको हम साक्षी से मिलवा के रहेंगे, समझ गए? काहे मुंह लटकाए हो तुम, है ना? हम शंकर और साक्षी के बारे में तो बात नहीं होता है, लेकिन बाकी सब पहले जैसा ही है। हमारे लेकिन शंकर का जिंदगी पहले जैसा नहीं है। शंकर का जिंदगी पहले जैसा नहीं मतलब? आप लोगों को प्लान बनाएगा? आप लोगों का नहीं, हम लोगों का। हाँ, हम सबका प्लान, पर उसमें हमको क्या करना होगा? अच्छा, एक बात बताओ हमको, ये रामलीला में तुम हनुमान जी का रोल करते थे ना? हाँ किए थे, बहुत बढ़िया किरदार किए थे। बस जैसे रामलीला में हनुमान जी रामचंद्र जी का संदेश ले गए थे सीता मैया के पास, हाँ वही शंकर का संदेश लेके जाना है साक्षी के पास। अरे मुरे मामा, बुझ गए बुझ गए। देखो भैया, अगर जमीन में दम है तब तो कोनो बात करने का फायदा भी है, वरना कोनो फायदा नहीं। अरे लेकिन गुड्डू भैया, किसी से बताने से पहले पापा से बात कर लेते ना एक बार। देखो, जमीन जो है एकदम हाईवे से सट के है, और हाईवे जो है रिडेवलपमेंट में जाने वाला ये सब जानता है लोग। एक काम करो, एक बार चल के देख लो। हाँ ठीक है, देखते हम तैयार होके आते दो मिनट में। सुधीर, हमें जल्दी करो यार, भलैया की जलेबी खिलाएंगे तुमको, जल्दी आओ। चलिए तो भैया। अरे पुष्कर कहाँ से लिया यार, बहुत प्यारा खाई। पटना से लिया है। अच्छा, अरे साक्षी कैसी हो, सब ठीक ना? चलिए चलो भैया जी। हाँ हाँ आ गए भाई, जलेबी खिलाने चलते तुमको, चलो। साक्षी, हमको मालूम है तुम कितनी तकलीफ में हो, हम भी यहाँ उसी हालत में हैं। आज रात को हम तुम्हारे घर के खिड़की के नीचे आएंगे और उसका सलिया काट कर तुमको आज़ाद कर देंगे। उसके बाद हम जिंदगी भर के लिए तुम्हारा उम्र कैदी बनना चाहते हैं, मंजूर है? करोगी शादी? शंकर, हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार।
ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पापा मम्मी हमारी चिंता मत कीजिए, हम शंकर के साथ हैं। जब तक आपको ये लेटर मिलेगा हमारी शादी हो चुकी होगी, शंकर और हम पति पत्नी हो गए होंगे। अब आप पर है, आप हमें स्वीकार करें तो सबके लिए अच्छा है, पर अब हम एक हो गए हैं और एक ही रहेंगे। दोनों तरफ थोड़ी गर्मा गर्मी होगी, बाद में सबके सब लाइन पे आ जाएंगे तो अपना लेंगे दिल से, और भगवान और कानून साथ में तुम्हारे और मामा जी भी हैं। है? आप जो भी हमारे लिए किए हैं वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ये शादी महंगी पड़ी, कितनी महंगी किसी ने नहीं सोचा था। शंकर को भनक तक नहीं थी कि इस बगावत की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। अर्जुन उसका छोटा भाई जिसका इस शादी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, उसे भी नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है और क्यों। सभी अनजान थे कि यह शादी कौन सी बर्बादी का सहरा था और कौन से कहर का घूंघट। साक्षी से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन जो तुम और शंकर किए हैं ना उसका बदला तो हम लेके ही रहेंगे। आप लोग ये भरम में ना रहना कि हम इस बात पे चुपचाप बैठ जाएंगे, हमारी इज्जत उछाले हैं। एक मिनट सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते जाओ। अरे इज्जत तो हमारी भी उछली है, हमें क्या मालूम था कि हमारा शंकर ऐसा कुछ कर जाएगा। वो तो हमसे एक को शब्द नहीं बोला। हम बोल रहे हैं ना जवाबी हमला होगा, दर्द का बदला दर्द। गुड्डू भैया ऐसे धमकी ना दे तो बेहतर होगा। अरे शंकर भैया ने हमको नहीं बताया था इसमें हमरी का गलती है, बताएं। ए हमका का भूखा समझा क्या, कुछ भी पट्टी पड़ाएगा कहे जाएगा। गुड्डू भैया सबका मिली भगत है, सबको मिल बैठ के भरना है। देख लेंगे तुम सबका, छोड़ेंगे नहीं किसी को। कल रात शंकर अपने कमरे में नहीं था क्या? खाने के बाद तो हम दोनों साथ में ही थे, फिर हम सोने चले गए। उसके बाद क्या हुआ हमको कच्छू मालूम नहीं, सुबह उठ के देखे तो शंकर भैया की बाइक भी नहीं थी। आज हमारे शंकर ने साबित कर दिया कि असली गए गुजरे तो हम हैं, जो उस पर लगाम न रख पाए। चलो क्या हुआ शंकर, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे अब कहे का डर, तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारे साथ, मिसेस साक्षी शंकर दुबे। चलिए शंकर, तुमने कई रेखाएं पार की और हम माफी की हदें बढ़ाते रहे, पर अब हद से बाहर हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। बाबूजी हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है, हम अब पति पत्नी हैं। हम नहीं मानते इस शादी को, आज के बाद तुम हमारे बेटा नहीं हो, तुम्हारे लिए और किसी के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं। बाबूजी हम अपनी जगह बना लेंगे, हमें एक मौका दीजिए। अमन नगर में जो फ्लैट आपने हमारे नाम पर लिया है हम वहाँ रहेंगे और कुछ करके दिखाएंगे बाबूजी आपको। दिखा दी हो तुम कि क्या कर सकते, अब जो कुछ करना है ना अपने बलबूते पे करो। अपनी मर्जी से शादी की हो ना तो अपनी ताकत से उसे भोगता हो। जाओ यहां से, एक फूटी कौड़ी ना मिलेगी तुम्हें। बाबूजी बाबूजी भैया और भाभी जी को रोक लीजिए। बाबूजी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, भैया बहुत अकेले पड़ जाएंगे। अर्जुन ठीक कह रहा है जी, शंकर को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है, आप उसको रोक लीजिए। नहीं बिना, अब तक वो अपनी मनमारी किया है, कोई भी बात नहीं माना हमारी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी के साथ चाहे जो कुछ करे, आज के बाद इस घर के अंदर शंकर का कोई नाम भी ना लेगा। शंकर भैया रुकिए, शंकर भैया रुकिए, शंकर भैया रुकिए, शंकर भैया।
रुकिए शंकर भैया, शंकर भैया रुकिए, रुकिए शंकर भैया, शंकर भैया रुकिए, शंकर भैया, शंकर भैया बाबूजी की बातों को दिल से ना लगाओ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो खुद ही आपको वापस बुला लेंगे। अब कोनो फर्क नहीं पड़ता है अर्जुन, हमको नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि आप हमारे बड़े भैया और हम आपके बिना नहीं जी सके। नहीं अर्जुन, अब हम तुम्हें भाई भाई कुछ नहीं, अच्छा होगा कि तुम भी हमारे साथ सारा नाता रिश्ता तोड़ दो, हमारे जैसा कभी मत बनना। अगर हम तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। ऐसा मत कहिए, आप हमेशा हमारे बड़े भैया रहे। भाभी, भाभी जी समझाइए ना भैया को। भैया रुक जाइए, शंकर भैया, शंकर भैया, हमको जो मदद करना था हम कर दिए, अब तुमको अपनी जिंदगी का खुद ही कुछ करना होगा। तुम दोनों का जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, हमारी भी मजबूरी है, अब तुम्हारे बाबूजी की तरह रईस तो है नहीं हम। मामा जी मेरी सबसे मुश्किल घड़ी है, थोड़ा सहारा दे देंगे तो हम आपका पाई पाई चुका देंगे। कैसा बात कर रहे हो, मामा है तुम्हारे हम? तो आज तो रहने देंगे नहीं है। हाँ हाँ आज रह लो, हम सुनील भैया से बात कर रहे हैं तुम्हारी नौकरी के लिए, रहने का भी हो जाएगा। हाँ मोहन, हम सुने हैं, अब पूरा बिरादरी भी सुना है। अरे हम तो बिना से बात करने की कोशिश भी की है, पर आनंद जीजा जी का ऑर्डर है कि हम लोगों से नाता तोड़ दें। सुनील भैया अब देखिए, किस्मत में जो लिखा था वो तो हो गया, अब अपना शंकर शादी कर लिया है तो उसका घर तो बसाना पड़ेगा ना। देखो बाबू बात तो ठीक है, पर हमारे यहाँ होना कुछ मुश्किल है। अरे लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दे अपने भांजे को सुनील भैया, आखिर खून है ना हमारा। हाँ हाँ हम समझते हैं, देखो लखनऊ में हमारा जान पहचान है, वहाँ कुछ काम मिल जाएगा, बाकी जो कुछ भी है ना उसको अपने आप करना पड़ेगा। लखनऊ? हाँ लखनऊ, अरे नया जिंदगी का शुरुआत करना है ना तुमको, तो लखनऊ चाहे इलाहाबाद, देखो जहाँ इज्जत की दो रोटी कमाओगे, अपना गृहस्थी बसाओगे, वही ना तुम्हारा घर होगा, वही पहचान होगा। शंकर भैया और साक्षी भाभी कहाँ चले गए हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन भैया की बहुत याद आती थी हमें, लेकिन क्या करते, बाऊजी टस से मस होने को तैयार ना थे। अम्मा और हमने लाख कोशिश की बाऊजी को समझाने कि वो शंकर भैया को माफ़ी दे दे, जहाँ भी हैं घर बुला लें उन दोनों को, पर हर दलील का जवाब बाऊजी ने सिर्फ खामोशी के साथ दिया, मानो कोई पत्थर है उनका दिल। साक्षी भाभी का परिवार हम लोगों से नाराज था, काफ़ी नाराज था, और उनकी दी हुई धमकी हम तीनों के सर पर तलवार जैसे लटकती रही। देख लेंगे तुम सबका, छोड़ेंगे नहीं किसी को। कभी कभार भैया फोन करते, हर बारी ये उम्मीद करते कि सब ठीक हो जाए और एक ना एक दिन बाऊजी का गुस्सा पिघल जाए। कौन बोल रहा है? भैया हम साक्षी। कौन साक्षी? भैया एक बार बात तो सुनिए हमारी। दोबारा फोन मत करना यहाँ। क्या हुआ भैया? साक्षी? हाँ। यहाँ हम जलील हो रहे हैं अपने बिरादरी में, और दुबे और उसका परिवार बड़े मजे से जी रहा है। उन लोगों के आराम करे के दिन गए सुधीर, बस एक मौका की तलाश है, ऐसा झपटेंगे, ऐसा वार करेंगे कि कौनो किसी की इज्जत उछालने से पहले 100 दफे सोचेगा। क्या हुआ भाई? फिर से फोन काट दिए भैया। कोनो बात नहीं, देखना एक दिन नहीं काटेंगे। कहना आसान है शंकर, तुम्हारी तो फिर भी बात हो जाती है अपने अम्मा भाई से। तो तुम कहती हो तो बंद कर देते हैं। नहीं नहीं हमारा वो मतलब नहीं था। तो हमारे मतलब की सोचते हैं साक्षी, हम दोनों एक दूसरे के सब कुछ हैं, यूं ही हम दोनों को आगे के लिए सोचना है, आगे बढ़ते रहना है। दो साल बीत गए, दो साल पहले शंकर के मामा और उसके मौसेरे और ममेरे भाइयों ने
शंकर और साक्षी को भगाकर उनकी शादी कराने में मदद की थी, उनकी नई जिंदगी बसाने में मदद की थी, और अब ऐसा लग रहा था कि इस मदद का प्रतिशोध 2 साल बाद आया था। क्या खबर है अर्जुन का? सुजाता के घर उसको बहुते मन लग रहा है, अब वो तो और दिन रहने का बात कर रहा था, और कॉलेज भी वहीं से करने का विचार कर रहा है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, वहां तो एक से बढ़कर एक कॉलेज है, उसको बोलो कि रुपए पैसे की कौन चिंता ना करे। एक ही तो लड़का है हमारा। सुनिए जी, 2 साल हो गया है, शंकर को वापस ले आइए, हमारा कलेजा का टुकड़ा है, हम उकरा बिना ना जी पाएंगे। अगर वो यहाँ आ गया ना तो हम ना जी पाएंगे। 2 साल हो गया है जी, 2 साल, समझ रहे हैं? होने दो, हमको ऐसा घाव देकर गया है कि समय के साथ साथ और गहरा होता जा रहा है, और तुम हमारे जले पर नमक काहे छलकती हो बिना? अरे अजीत, तुम कैसे हो सुजाता दीदी? हम अच्छे हैं, आओ भीतर आओ, बैठो, हम पानी लाते। हाँ। अरे प्रणाम अजीत भैया। अरे छोटे, तुम भी यही हो? कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। अर्जुन का प्लानिंग है कि यहीं से कॉलेज करेगा, इसलिए अभी हमारे साथ रहेगा यहीं पे। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। और देखो ना दीदी, हम आए थे आपसे मिलने, अर्जुन से भी मुलाकात हो गई। आज का दिन बहुत अच्छा है। रोहिणी मौसी कैसी है? अच्छी है दीदी। एक बात बोले, शंकर वाले कांड के बाद तो हम लोग एकदम पराई हो गए थे। बहुत दुख होता है भैया, पहले सब कितना अच्छा था, अब क्या करें। अजीत, तुमको तो पता है ना बाबूजी के बारे में, वो कितना बड़का जिद्दी आदमी है, एक बार जीत ठान के बैठ जाते हैं तो उसको तोड़ने का नाम नहीं लेते। वो एक बार सोच लिए ना कि आप सबसे रिश्ता ना रखो, मतलब नहीं ही रखना है। अरे दीदी, लेकिन रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? खून का रिश्ता है हमारा आपके साथ, बचपन में हम लोग साथ में पले बड़े हैं, और अब एकदम से ऐसे। चलो छोड़ो उन बातों को, फटाफट हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। चलो अर्जुन। ठीक है। अर्जुन जी, घर में तुमको सब बहुत याद करते हैं यार, मोहन मामा जी, सुनील मामा जी, हम सब बहुत याद करते हैं तुमको। हमको भी सबकी बहुत याद आती है अजीत भैया, और सबसे ज़्यादा शंकर भैया की। अच्छा, तो चलो फिर तुमको लखीमपुर घुमा लाते हैं, सब देख के तुमको खुश हो जाएंगे एकदम। अरे नाना, बाऊजी को पता चलेगा तो बहुत बड़का बवाल हो जाएगा, और वैसे भी वो कांड के बाद बाऊजी को जितना गुस्सा शंकर पर है उतना ही आप सब पर भी है, अर्जुन नहीं जाएगा कहीं। अरे दीदी, लेकिन आनंद मोसर जी को पता कैसे चलेगा? हम चुपचाप छोटे को लेके जाएंगे और वापस लाके छोड़ देंगे। क्यों छोटे जी? जाने दो ना दीदी, हम कोनो मस्ती वस्ती नहीं करेंगे, सबसे मिलके आ जाएंगे। जिद मत करो, बात समझो, बाऊजी फौजी आदमी है, अगर उनको पता चला ना तो सोच लो क्या होगा। हम भी फौजी के बेटे हैं दीदी, पता नहीं चलने देंगे। हाँ, अगर हम घर से गए होते तो बात अलग थी, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। हाँ, अगर आप उनको बताएंगे तो बात अलग है। अच्छा, हम पागल हो गए का जो हम जाएंगे उनको बताने? कुछ दे मतलब पक्का समझे दीदी, बस 2 दिन की तो बात है, और वैसे भी देखो कितना सूख के पतला हो गया है, इसको खिला पिला के एकदम मोटा करके वापस लाएंगे। जाने दो ना दीदी, प्लीज। अर्जुन जी, देख 2 दिन का मतलब है खाली 2 दिन, एक को दिन एक्स्ट्रा नहीं। अरे हाँ दीदी, उससे ज्यादा मुहा रह भी नहीं सकते। अरे एडमिशन का फॉर्म वॉर्म भरना है, 1000 काम बाकी है। अच्छा, हम चलते हैं। अरे दीदी, आप चिंता ना करो, पूरा ख्याल रखेंगे हम छोटे का, और वैसे भी 2 दिन के बाद तो आपके पास ही होगा, क्या छोटे? हाँ। अच्छा दीदी, चलते हैं।
हमारी गलती का थी, हमको मालूम ही नहीं था और शायद हमको आगे कभी मालूम ही नहीं पड़ा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी। दो दिन बीत गए और अर्जुन फोन नहीं उठा रहा था और ना ही सुजाता और अर्जुन का मौसेरा भाई अजीत फोन उठा रहा था। दोनों के नंबर्स स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। सुजाता अर्जुन की बड़ी बहन टेंशन से बेहाल थी। वो ना अपने घर पर फोन कर सकती थी अजीत की मां या दूसरे किसी का नंबर मांगने के लिए और ना ही अपने किसी दूसरे रिश्तेदारों को फोन कर सकती थी। तीन दिन बाद आखिरकार सुजाता अजीत से कॉन्टैक्ट कर पाई, पर अजीत ने सुजाता को जो फोन पर कहा उससे सुजाता के होश उड़ गए। हेलो अजीत, अजीत कहाँ हो तुम लोग? हाँ, फोन का नहीं लग रहा है और अर्जुन कहाँ है? अरे दीदी, अर्जुन का फोन रेंज से बाहर होगा। रेंज में नहीं होगा? मतलब तुम तो बोले थे कि तुम दो दिन में अर्जुन को घर पहुंचा दोगे, फिर? अरे दीदी, आप इतना चिल्ला कह रही हो, मतलब जवान लड़का है, दो दिन की जगह तीन दिन रुक गया होगा। आप चिंता ना करो, आ जाएगा। हमको अर्जुन से बात कराओ, जल्दी बात कराओ बस। देखो सुजाता। सुजाता, क्या बोले तुम? दीदी से हम सुजाता पे आ गए? हाँ सुजाता। अजीत, बात क्या है? बात कराओ हमारी अर्जुन से बस। बात तो हम करा देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? क्या बकवास कर रहे हो तुम? 15 लाख की बकवास कर रहे हैं क्या? अगर अर्जुन से बात करनी है तो 15 लाख की कीमत चुकानी होगी। हेलो, अजीत किस कीमत की बात कर रहा था? उसके इरादे क्या थे? तीन दिन पहले अचानक बिन बुलाए अजीत टूटे रिश्ते जोड़ने सुजाता के घर आधम का था। वहां उसे अर्जुन मिला और वो अर्जुन को अपने साथ गांव ले गया पुराने रिश्ते और यादें ताजा करवाने। पर क्या अजीत का सुजाता के घर में अर्जुन से मिलना महज एक इत्तफाक था या फिर शातिर साजिश? शंकर और साक्षी की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। एक ऐसी भाग कर की गई शादी जिसे दोनों परिवारों की सहमति नहीं मिली थी और अब अर्जुन घर नहीं लौटा था और अजीत ने फिरौती मांगी थी। क्या इस अपहरण का मकसद 15 लाख रुपए कमाना था? यह कीमत दरअसल अर्जुन खुद था जो अपने बड़े भाई की बगावत की सजा भुगतने जा रहा था। क्या साक्षी के परिवार वालों ने शंकर का गुस्सा अर्जुन पर निकाला था? क्या हुआ था अर्जुन के साथ और क्यों? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।